हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल फास्ट। नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। मैंने इस चैनल पर एक महीने से भी कम में 20,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स किए हैं और अभी तो करीब 40,000 के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो मुझे पता है सब्सक्राइबर्स जल्दी कैसे बढ़ाते हैं। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप 0 से लेकर लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप 3 तक सिर्फ 3 स्टेप्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो। क्योंकि यार ज्यादा ना सही पर थोड़े बहुत व्यूज तो सभी के आ जाते हैं पर वो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हारे व्यूज सब्सक्राइबर्स में बदल जाए एंड चैनल ग्रो हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, हाउ टू गेट सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीरो फास्ट। स्टेप 0 सिंपल है, चैनल तो बना लो पहले। फिर स्टेप 1 है वीडियो पर व्यूज लाना, बिकॉज जब तक तुम्हारी किसी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे सब्सक्राइबर्स कहां से आएंगे भाई। पर स्टेप 1 की बात मैं वीडियो के एंड में करूंगा, अभी बात करते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे की, स्टेप 2 की। मतलब कि अब तुमने चैनल भी बना लिया और किसी एक वीडियो पर व्यूज भी आने लग गए हैं, पर यार अब उन व्यूज को सब्सक्राइबर्स में कैसे बदलें। ओके, सो YouTube पर एक चैनल है टॉक्सिक एंड ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम उसके 2,00,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर सिर्फ 2 महीने पहले तक उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। फेब 2021 अकेले में टॉक्सिक को 1,28,000 से भी ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स मिले थे। यार इतनी तेज ग्रोथ तो हर क्रिएटर का सपना होता है, पर फिलहाल ग्रोथ बस टॉक्सिक की ही हुई। क्यों? जबकि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था वो नॉर्मल जेनरिक रोस्ट वीडियोस ही बनाता है, उसने कोई अलग लेवल की चीज नहीं कर दी है, बट स्टिल इतनी तेज ग्रोथ कैसे? यार तू भी दूसरे टेक यूट्यूबर्स की तरह हर वीडियो में एक ही बात बताने लगा, यार बदल गया अब तो तू। जब महान इंसानों किसी वीडियो के वायरल होने के पीछे, किसी चैनल के ग्रो होने के पीछे या सब्सक्राइबर्स बढ़ने के पीछे कोई एक सिंगल ट्रिक नहीं होती है जो कि सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स को पता है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। एंड मैं तुम्हें वही सब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला रीजन तो मैं तुम्हें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। द इम्पोर्टेंस ऑफ अ नीच। फिर पकाने आ गया एल्गोरो, ये तो सभी बताते हैं यार, कुछ अलग बता दूं। तो देखो तुम्हें सभी ये तो बताते हैं कि नीच पर फोकस करो, पर क्या कोई ये बताता है कि करना कैसे है? नहीं ना। लेकिन मैं इस वीडियो में तुम्हें डायरेक्टली वो ट्रिक या वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम एक्चुअली नीच पर फोकस कर पाओगे, एक ऐसी ट्रिक जिससे तुम सही में अपनी नीच ढूंढ पाओगे। तो उस ट्रिक के साथ साथ बात करते हैं कि नीच सही होने की वजह से YouTube तुम्हें ज्यादा प्रमोट करता है क्या? और करता है तो क्यों करता है भाई, उसे तो व्यूज चाहिए ना, कैसे भी आए उसे नीच से क्या मतलब है। So, अगर तुम YouTube न्यूज चैनल्स को देखते हो तो तुम दिनेश टॉक्स को जानते होगे, बट क्या तुम जानते हो दिनेश टॉक्स की ग्रोथ कैसे हुई थी? एंड यही आती है हमारे वायरलिटी फॉर्मूला की बारी, डबलिंग डाउन ऑन अ वायरल वीडियो। अब इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, दिनेश टॉक्स और टॉक्सिक। तुम क्लियरली देख सकते हो कि 2019 में अगस्त सितंबर के टाइम इन सब्स वाले ग्राफ में कितना बड़ा पीक आया है। एंड इस वीडियो में खुद दिनेश टॉक्स ने बताया कि अगस्त के टाइम सिर्फ 2 से 4 दिन में उनके 3,00,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। एंड एग्जैक्टली यही सेम चीज हुई थी टॉक्सिक के साथ, उसके फरवरी के टाइम लिटरली दिन में 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे थे। तो इन दोनों केसेस में कुछ तो कॉमन जरूर है, तो वो चीज मैं तुम्हें डायरेक्टली दिनेश टॉक्स के मुंह से ही सुनवाता हूँ। जब मैंने वीडियो अपलोड किया वो वीडियो पर इतने जल्दी रिस्पांस आया कि मतलब आप समझ लीजिए कि 1 घंटे के अंदर उस वीडियो पे 20,000 व्यूज हो गए, जो मैंने आज तक अपने चैनल पर कभी नहीं देखे थे। और उस वीडियो के जो व्यूज थे उसको देख के मुझे लगा कि लोगों को इस बारे में बहुत अच्छा लग रहा है जान करके, रानू मंडल जी के बारे में लोग जानना चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे न्यूज कलेक्ट की और उसके बाद मैंने लोगों को बताना चालू किया और सारे वीडियो मैंने एक ही दिन अपलोड किए, मतलब मैंने उस दिन 8 वीडियो अपलोड कर डाले रात तक। अब समझे डबलिंग डाउन से मेरा मतलब क्या था। दिनेश टॉक्स ने रानू मंडल के बारे में वीडियो डाली एंड एनी हाउ वो वायरल सी चले गई। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो उस वीडियो के वायरल जाने की खुशी में कूदने लग एंड मे बी उसे कुछ हजार व्यूज और सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते, बट दिनेश टॉक्स ने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं, एक ही दिन में 8 वीडियोस डाल दिए एंड सभी वीडियोस रानू मंडल के बारे में ही थे। इससे हुआ क्या, जो भी कुछ नए सब्सक्राइबर्स पहली वीडियो से आए थे उनको रानू मंडल वाले टॉपिक में इंटरेस्ट था, तभी तो उन्होंने उस वीडियो को क्लिक करा भाई। तो जब दिनेश टॉक्स
ने बाकी वीडियोस भी रानू मंडल के बारे में डाले, तो उन्होंने दूसरी वीडियो भी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी एंड इस टॉपिक पर सभी वीडियोस देखते गए। एंड मैंने तुम्हें इस वीडियो में काफी अच्छे से समझाया था, जब कोई लगातार तुम्हारी कई सारी वीडियोस देखता है, YouTube को लगता है ये चैनल तो बहुत बढ़िया है एंड हेंस वो उस चैनल को और ज्यादा प्रमोट करने लगता है। यहाँ तो दिनेश टॉक्स ने पूरे 8 वीडियोस डाले थे एंड लोगों ने उन्हें देखा भी, हेंस बस कुछ ही दिनों में ही गॉट 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स। बट यहाँ दिनेश टॉक्स ने एक गलती भी कर दी एंड उसका नुकसान उन्हें अभी तक हो रहा है। पर वो गलती थी क्या और एक कौन सा नुकसान है एल्ग्रो जो दिनेश टॉक्स को हो रहा है? अगर तुम देखोगे तो दिनेश टॉक्स के चैनल पर 6 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर व्यूज हर वीडियो पर करीब 40 से 50 हजार ही आते हैं। Why? Because दिनेश टॉक्स के व्यूज आए थे रानू मंडल वाली वीडियोस पर एंड हेंस ऑडियंस को इंटरेस्ट भी बस रानू मंडल में ही था। अब अगर तो ये कोई ऐसा टॉपिक होता जिस पर काफी लंबे टाइम तक वीडियोस बन सकते हो तो दिनेश टॉक्स अभी 1 मिलियन के भी पार होते। बट यार रानू मंडल पर कितने वीडियोस बन सकते हैं एंड इवन ऑडियंस उन वीडियोस से बोर हो जाती। हेंस यहाँ पक्का था कि ऑडियंस ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाली है। पर फॉर एग्जाम्पल तुम जितने भी पबजी चैनल्स थे उनका एग्जाम्पल ले लो, जब तक उन्होंने पबजी के वीडियोस डाले उनके व्यूज लाखों थे। बट जैसे ही इंडिया में पबजी बैन हुआ एंड उन्होंने वो वीडियोस डालने बंद किए, व्यूज बिल्कुल गिर गए एंड वॉचिंग तो जैसे गायब ही हो गई। क्यों? अगेन यही है एक नीश में होने का नुकसान। तो ये भी एक डबल एज्ड सॉर्ड ही है। एक तरफ नीश में रहकर बहुत सारे व्यूज तो आ सकते हैं, बट अगर तुम एक ही चीज से चिपके रहोगे एंड जब तुम वो कॉन्टेंट नहीं दे पाओगे व्यूज बिल्कुल गिर जाएंगे। तो अभी मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा एंड सिंगल लाइन में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम अभी के अभी इस ट्रिक को अपने चैनल पर अप्लाई कर सकते हो। बट पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो टॉक्सिक ने भी अपनी इनिशियल ऑडियंस ऐसे ही ली थी, उसने पायल जोन से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बनाई थी एंड बहुत जल्दी ग्रो हुआ था। बट अभी के टाइम टॉक्सिक के 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज रेगुलरली आ रहे हैं, वो भी बिना पायल जोन के। ऐसा कैसे भाई? हुआ क्या कि टॉक्सिक की पहले वाली वीडियोस और अभी वाली वीडियोस की नीश सेम तो नहीं बट काफी सिमिलर है। देखो जिन लोगों को रोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है वो ना ही पायल जोन को जानते थे और ना ही टॉक्सिक को। पायल जोन को मेनली उन्हीं लोगों ने देखा जो मेनली रोस्ट में इंटरेस्टेड थे एंड टॉक्सिक को उन्हीं लोगों ने देखा जो कि पायल जोन की ऑडियंस थी। बेसिकली पायल जोन रोस्ट डालने पर जो ऑडियंस टॉक्सिक के पास आई वो ऑलरेडी रोस्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड थी। हेंस जब टॉक्सिक ने वो वीडियोस डाले ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफी तगड़ा था। हेंस यहाँ से ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि तुम अपनी नीश चेंज कर सकते हो बट अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखकर। अब इसका क्या मतलब है समझाता हूँ एंड उसके बाद तुम्हें वो ट्रिक भी बताऊंगा जिसे तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो जैसे कि तुम्हें पता है एल्ग्रो काफी तेज ग्रो हुआ है यार एंड अभी भी हो ही रहा है। एंड तुम मानो ना मानो ये चैनल बनाने से पहले ही मुझे पता था इसकी ग्रोथ काफी तेज होगी। इतनी तेज होगी ये तो नहीं पता था पर तेज होगी ये जरूर पता था। कैसे? अगेन द पावर ऑफ नीश। मैंने कुछ महीने पहले क्रिटिक पर एक पोल किया था कि मेरी ऑडियंस में कितने लोग यूट्यूबर्स हैं या बनना चाहते हैं एंड काफी बड़ा नंबर था जो यूट्यूबर्स थे या बनना चाहते थे। हेंस मुझे पहले से पता था कि एल्ग्रो बनाकर मैं डायरेक्टली उनकी नीड्स को पूरा करने वाला हूं। मतलब एल्ग्रो वाले कंटेंट की डिमांड काफी ज्यादा थी और अभी भी है। पर मैंने नया चैनल क्यों बनाया? मैं ये सब क्रिटिक पर भी तो डाल सकता था। अगेन सिंपल नीश। सिंपल कैलकुलेशन समझो, अगर एल्ग्रो पर कोई एक वीडियो वायरल होती है एंड उस पर 1 लाख व्यूज आ जाते हैं बिकॉज बाकी वीडियो सेम नीश की है, 1 लाख में से 10 हजार लोग भी अगर बाकी वीडियो को देखते हैं तो टोटल व्यूज 1 लाख से 2 लाख पर पहुंच जाते हैं। एंड ये नंबर्स मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर सही में ऐसा होता है। पर सवाल वही है, हम नीश ढूंढे कैसे? वो तरीका, वो ट्रिक क्या है? तरीका बड़ा ही सिंपल है, अपने चैनल पर जाओ एंड अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो को देखो। ये भी हो सकता है कि तुम अपनी मोस्ट पॉपुलर वीडियो को देख लो, मतलब जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज है, पर मैं कहूंगा ऐसी वीडियो देखो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। उस वीडियो का जो भी टॉपिक है तुम्हारी मैक्सिमम ऑडियंस को उसी में इंटरेस्ट है। जाओ सोचो तुम कैसे उससे सिमिलर वीडियोस बना सकते हो बिकॉज तुम्हारे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स को उस टॉपिक में ऑलरेडी इंटरेस्ट है। तो जब भी तुम वो वीडियो डालोगे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे एंड एक बार में कई
सारी वीडियोस भी देख लेंगे। इसके साथ साथ उन्हें एक रीजन मिलेगा टू सब्सक्राइब टू योर चैनल, बिकॉज तुम वही डाल रहे हो जो उन्हें चाहिए। नए यूट्यूबर्स की तरह ये गलती मत करना कि कभी गेमिंग वीडियो डाल दी, कभी म्यूजिक वीडियो डाल दी, कभी कुछ और डाल दिया। एक नीश पकड़ो एंड उस पर वीडियोस डालो, हेंस लोग तुम्हें ज्यादा देखेंगे। एंड यार यूट्यूब को भी तो यही चाहिए, लोग एक के बाद एक वीडियोस देखते जाएं, हेंस तुम बहुत तेज ग्रो करने वाले हो। अब मैंने ये तो बता दिया कि अगर किसी एक वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं तो उन्हें व्यूअर से सब्सक्राइबर में कैसे बदलना है। पर भाई व्यूज लाए कैसे, अब ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो एंड उसके बाद वापस आकर ये राइट वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने स्टेप 3 के बारे में बताया है कि एक बार जब ऑडियंस आ जाए तो उन्हें रोक कर कैसे रखना है।